ओके जी, अस्सलाम वालेकुम। हमारा जो टॉपिक है वो है आउटपुट डिवाइसेस के बारे में। आपने ऑलरेडी समझ लिया हुआ है कि आउटपुट डिवाइस क्या होती है, तो एक दफ़ा मैं दोबारा जल्दी से रीकैप कर दूं आउटपुट डिवाइसेस के बारे में। यू ऑलरेडी नो के जो हम कंप्यूटर कहते हैं इस बॉक्स को नॉर्मली, ठीक है, जिसको आप नॉर्मली सीपीयू कह रहे होते हो, लेकिन वो होता है सिस्टम यूनिट, ठीक है। इस सिस्टम यूनिट के भी अंदर मल्टीपल पार्ट होते हैं, जिसमें से पेश है एक मदरबोर्ड, ओके। और इस मदरबोर्ड के ऊपर एक सबसे जो इम्पोर्टेंट पार्ट होता है वो होता है सीपीयू। सीपीयू असल में एक चिप होती है, ठीक है, मतलब इस पूरे को हम लोग सीपीयू कह रहे होते हैं, इस पूरे को, जो कि गलत बात है, ये सीपीयू नहीं है। इस बॉक्स के अंदर, इस बॉक्स को हम कहते हैं सिस्टम यूनिट। इस सिस्टम यूनिट के अंदर एक बहुत बड़ी चिप होती है, उसको हम कहते हैं मदरबोर्ड। उस चिप के ऊपर सीपीयू इम्बेड हुआ होता है, ठीक है। तो जब हम बात करते हैं आउटपुट की, तो आउटपुट का मतलब है कि जो भी सिग्नल इस सीपीयू के पास आया किसी भी इनपुट डिवाइस की वजह से, इस सीपीयू ने उसको किया प्रोसेस, ठीक है, इसने सीपीयू ने उसको सिग्नल को प्रोसेस किया। प्रोसेसिंग के बाद इस सीपीयू से जो सिग्नल आउट हुआ है किसी भी सूरत में, वॉइस की सूरत में, वीडियो की सूरत में, या टेक्स्ट की सूरत में, जिस भी सूरत में सिग्नल आउट हुआ है उस सिग्नल को हम कहेंगे आउटपुट। अब चूंकि आउटपुट है मल्टीपल टाइप की, देयर यू कैन ऑब्जर्व कि ये देखें वॉइस आउटपुट है, वीडियो आउटपुट है, इमेज भी हो सकती है, और टेक्सचुअल आउटपुट है। इसका मतलब डेटा जो हमें आउटपुट की सूरत में मिलता है उसकी नेचर मल्टीपल टाइप्स की है, वीडियो, वॉइस, टेक्स्ट। तो मल्टीपल डेटा को आउटपुट करने के लिए मल्टीपल डिवाइसेस का सहारा लिया जाता है। जैसे वॉइस को आउटपुट करने के लिए ऑब्वियसली स्पीकर है, वीडियो को आउटपुट करने के लिए हमारे पास मॉनिटर होता है, और टेक्स्ट को भी आउटपुट करने के लिए हमारे पास मॉनिटर होते हैं, ठीक है जी। तो ये तो रीकैप हुआ आउटपुट डिवाइसेस का, कि तमाम वो डिवाइसेस जो हमें आउटपुट करवाती हैं हमारे सिग्नल्स को, वो आउटपुट डिवाइसेस हैं, ठीक है जी। ओके, आगे चलते हैं। फिर स्पीकर सबसे पहले और सबसे पॉपुलर तो वैसे आउटपुट डिवाइस मॉनिटर ही है, लेकिन स्पीकर इज वन ऑफ पॉपुलर, क्योंकि ये आउटपुट प्रोड्यूस करती है वॉइस की सूरत में, ठीक है। आप ये देखें, ट्रीबल और बेस, ये दो इफेक्ट होते हैं वॉइस के, ठीक है। और जो स्पीकर्स होते हैं, अगर आपके पास ऐसे स्पीकर हैं जो इन इफेक्ट्स को सपोर्ट करते हैं, जैसे कि जो हैंड्स फ्री के वो एयरपॉड्स होते हैं जो आपके कानों में लगते हैं, वो उसके उसमें से एक के अंदर आवाज़ आती है, उन एयरपॉड्स में से एक के अंदर आवाज़ आती है थोड़ी सी बारीक, और दूसरे के अंदर थोड़ी सी हाई फ्रीक्वेंसी की आवाज़ आती है, थोड़ी सी लाउड आवाज़ आती है। क्यों? क्योंकि वो जो स्पीकर्स होते हैं हैंड्स फ्री के, वो एक जो है सेट हुआ होता है ट्रीबल वॉइस पे, एक सेट हुआ होता है बेस वॉइस पे, ओके। बेस जो है वो आपको लाउड फील होता है, ओके, और ट्रीबल जो है वो आपको थोड़ा सा सटल सा फील होता है, या थोड़ा सा लो पिच पे फील होता है, ठीक है ना। तो ये दोनों यूज किए जाते हैं स्पीकर्स में, ठीक है जी। वरना कुछ स्पीकर्स होते हैं जो ट्रीबल और बेस को सपोर्ट नहीं करते, ठीक है, उनके अंदर से एक ही फ्रीक्वेंसी की आवाज निकलती है दोनों तरफ से। तो लेकिन ये जो बेस और ट्रीबल वाले होते हैं, ये थोड़े से एडवांस होते हैं, ठीक है जी। तो स्पीकर्स बेसिकली आउटपुट देते हैं वॉइस की सूरत में, ओके। नेक्स्ट अप वी आर हैविंग प्रिंटर्स। प्रिंटर भी बहुत ज़्यादा पॉपुलर हैं,
ऑब्वियसली मॉनिटर हम लोग पढ़ चुके हैं फिजिकल क्लास में, ये ऑनलाइन क्लास में आपके पास ये प्रिंटर्स और स्पीकर्स और प्लॉटर आएंगे। ओके जी, अब ये कहता है प्रिंटर इज अ डिवाइस दैट एक्सेप्ट टेक्स्ट एंड ग्राफिक्स आउटपुट फ्रॉम अ कंप्यूटर एंड ट्रांसफर द इंफॉर्मेशन टू पेपर। पेपर पे जब आप आउटपुट निकालना चाहते हैं तो आप प्रिंटर्स का सहारा लेते हैं। प्रिंटर्स की स्पीड, उनकी सोफिस्टिकेशन, उनकी कॉस्ट डिफरेंट होती है डिपेंडिंग अपॉन द क्वालिटी। और जितने ज़्यादा ऑब्वियसली जितने ज़्यादा महंगे प्रिंटर उतनी ज़्यादा बेहतर क्वालिटी, उतनी ज़्यादा उसकी हाई रेजोल्यूशन, ठीक है ना। अब प्रिंटर यूज़ क्यों होते हैं? हार्ड कॉपी आउटपुट निकालने के लिए। जो मॉनिटर्स और स्पीकर्स हैं वो सॉफ्ट कॉपी आउटपुट प्रोड्यूस करते हैं, जबकि प्रिंटर्स हार्ड कॉपी आउटपुट प्रोड्यूस करते हैं, ठीक है ना। ये एक बड़ा ही ज़बरदस्त किस्म का प्रिंटर है जो लेज़र प्रिंटर है, ओके। और इसकी परफॉर्मेंस बड़ी अच्छी समझी जाती है ऑल ओवर द वर्ल्ड, ऑल ओवर द मार्केट, और ये कॉस्ट एफिशिएंट भी होता है एक लेज़र प्रिंटर, ओके। तो आगे चलते हैं जी। ये तो प्रिंटर की एक मैंने आपको इमेज दिखाई है नॉर्मल सी, अब हमने इसकी कैटेगरीज को समझना है। प्रिंटर्स भी आगे से दो तरह के जी, एक है इम्पैक्ट प्रिंटर्स, एक है नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर्स, ओके। अब इनके नाम से ही ये सेल्फ डिस्क्राइबिंग है कि अवल तो पहले आपको ये चीज समझनी पड़ेगी कि प्रिंटर्स को की डिवीजन किस बेस पे की जाती है। अभी आप वर्ड देख रहे हैं आप मैकेनिज्म, इस मैकेनिज्म की बेस पर प्रिंटर्स की जो है वो की जाती है कैटेगराइजेशन। मैकेनिज्म कहते हैं काम करने के तरीके को। तो प्रिंटर्स के काम करने के दो तरीके होते हैं जी, एक इम्पैक्ट और एक नॉन इम्पैक्ट। अब इसका क्या मतलब है? इम्पैक्ट का मतलब होता है किसी चीज़ का टकराना, जब कोई चीज़ फोर्सफुली की जाए या जब किसी चीज़ में कोई यू कैन से कोई चीज़ कोलाइड हो, टकराए। तो ऐसे प्रिंटर्स जो पेपर पे अपने किसी भी मैकेनिज्म किसी भी तरीके से टकराएं और उनके टकराने से इंक प्रोड्यूस हो तो वो इम्पैक्ट प्रिंटर्स हैं। जबकि नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर्स जो बगैर टकराए, जिनकी पिन्स बगैर टकराए पेपर पे प्रिंटिंग करें, वो नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर हैं, जैसे कि लेज़र, ओके। तो अब मैं इसको ज़रा मज़ीद क्लियर कर दूँ आपको कि दो तरह के प्रिंटर्स हैं, ये पेपर है और ये भी एक पेपर है। ये इम्पैक्ट प्रिंटर्स के काम करने का तरीका है क्या कि उनकी जो पिन्स होती, उनके पास ना पिन्स होती हैं, वो पिन्स पेपर पे आती हैं और पेपर पे टकराती हैं। उनके टकराने से जहाँ जहाँ पे वो टकराएंगे उनकी पिन्स, वहाँ वहाँ पे पेपर पे प्रिंटिंग होगी, ओके। ऑब्वियसली ये वाला तरीका पुराना है। फिर दूसरा होता है नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर, ठीक है, वो उसकी लेज़र आती है, वो लेज़र जहाँ जहाँ पे पड़ती है वहाँ पे प्रिंटिंग हो जाती है, ओके। तो एक टकराने वाले प्रिंटर हैं जिनको हम कहते हैं इम्पैक्ट, और फिर दूसरे हैं नॉन इम्पैक्ट, जो बगैर टकराए हीट से, लेज़र से या इस तरह के मैकेनिज्म को, ठीक है ना। मैकेनिज्म मींस तरीका, तो एक ये तरीका और एक ये तरीका है। मैकेनिज्म का मतलब है तरीका, दो तरीके हैं, एक टकरा के एक बगैर टकराए, ओके जी। ऑब्वियसली ज़्यादा एफिशिएंट ये वाले हैं नॉन इम्पैक्ट, ओके। अब आगे चलते हैं। अब अगर हम इम्पैक्ट प्रिंटर्स की बात करें तो इसकी डेफिनेशन में आपको नजर आ रहा है, कहते हैं क्लास ऑफ प्रिंटर दैट वर्क बाय बैंगिंग अ हेड और नीडल अगेंस्ट एन इंक रिबन टू मेक अ मार्क ऑन द पेपर। बैंग का मतलब है यहां पर के टकराना, ठीक है। अब ये इसका मैं आपको प्रोसीजर समझाऊं। ये पेपर है आपका, ठीक है, जिसके ऊपर प्रिंट होना है। इसकी ना नीडल होती हैं, ये सुइयां हैं और यू कैन से पेन होते हैं। सेंटर में होता है इंक का रिबन, ठीक है, ये सारा इंक फिल्ड रिबन होता है। ये मैं ना आपको एक प्रिंटर के अंदर की कहानी सुना रहा हूँ, जो उसके अंदर मैकेनिज्म चल रहा होता है। ये जो नीडल होती है ना, लेट सपोज ये ए की नीडल है, ये बी की, सी की, ये डी की नीडल है, ओके। जिसने ए प्रिंट करना है ये वो नीडल है, बी की, सी की, डी की, इस तरह हर करेक्टर की नीडल होती है। अब लेट सपोज हमने लिखना है ए, तो ए की नीडल यहाँ से आगे इसके इम्पैक्ट पड़ेगा। नीडल यहाँ से जब गुजरेगी, ब्लैक कलर की नीडल जब यहां से गुजरेगी, ठीक है, तो जब यहां से गुजरेगी और जब यहां से बाहर निकलेगी,
तो उसका फेस तो ब्लू हो गया होगा ना, ठीक है। और जब वो ब्लू फेस नीडल पेपर पे जाके स्ट्राइक करेगी तो जब वो लिखेगी तो वो उस कलर में प्रिंट हो जाएगा, ठीक है। अब असल में आपने समझा क्या, आपने ये समझा कि ये जो नीडल्स हैं ये टकराती हैं और इसके टकराने से, इसके इम्पैक्ट से पेपर पे प्रिंटिंग होती है, ओके। तो ये होते हैं जी इम्पैक्ट प्रिंटर्स। इनकी जी आगे से तीन एग्जांपल्स हैं, एक डॉट मैट्रिक्स, एक डेजी व्हील और एक लाइन प्रिंटर, ठीक है। ये इन तीनों को अब हमने डिस्कस करना है। डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर वो जिस तरह के मैंने अभी आपको बताया कि ये सेम इस तरह काम करते हैं, इनके बैक एंड पे नीडल्स होती हैं, वो नीडल्स और यू कैन से पिंस जब इंक के रिबन से गुजर कर पेपर पे स्ट्राइक करती हैं तो पेपर पे जिस भी करेक्टर की स्ट्राइकिंग हुई होती है वो करेक्टर प्रिंट हो जाता है, ठीक है ना। ऑब्वियसली वो एक लाइन में प्रिंटिंग होती है, इस तरह प्रिंटिंग नहीं होती जैसे मैं आपको करके दिखा रहा हूँ, ये तो समझाने के लिए, ओके ठीक है जी। कहते हैं इंक सोक्ड क्लॉथ रिबन अगेंस्ट पेपर, ठीक है ना। इंक में डुबोया हुआ एक पेपर होता है जिसके अगेंस्ट जो है उनके हेड हैं या उनकी जो पिंस हैं डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर की, वो बैक एंड फोर्थ मूव करके स्ट्राइक करती हैं और पेपर पे प्रिंटिंग हो जाती है, ठीक है। इसका मैकेनिज्म सिमिलर है एक टाइपराइटर की तरह, ये बात याद रखने वाली है, ओके। मतलब एक टाइपराइटर जो पुराने जमाने का होता था वो जिस तरह काम करता था, डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर भी उस तरह काम करता है। फिर नेक्स्ट अप वी आर हैविंग डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर, डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर की खास बात ये है जी कि इसके अंदर एक डेजी व्हील होता है, ठीक है। ये डेजी व्हील मैं आपको यहां पे आ रहा है, देयर यू कैन सी, ये एक डेजी व्हील होता था इसके अंदर, ठीक है। अब आप देख रहे हैं इस व्हील में ये ना इसके एजेस पर करेक्टर बने हुए हैं, इसकी मैं आपको खुद से क्रिएशन करके दिखाता हूं डेजी व्हील क्या है। अब चूंकि ये है तो एक डेजी व्हील प्रिंटर एक इम्पैक्ट प्रिंटर है, इसका मतलब है कि ये भी स्ट्राइक करेगा या बैन करेगा पेपर पे प्रिंट करने के लिए। इसका मैकेनिज्म ये है कि इसके ना एक व्हील होता है, ठीक है, उस व्हील के पेटल्स होते हैं, ये जो मैं अब बना रहा हूं ये पेटल्स हैं, हर पेटल के एंड पे एक करेक्टर बना होता है, ठीक है, सी यहां पर डी ई, इस तरह मल्टीपल पैटर्न्स पेटल होते हैं, उन पेटल्स के हर जगह पे ना ये बने होते हैं करेक्टर्स, कौन सा करेक्टर प्रिंट करना है। यहां पर इसके सेंटर में ना एक हैमर होती है, ठीक है, सेंटर में वो हैमर लेट सपोज अगर ए पे स्ट्राइक करेगी तो ए की पेटल निकल के आगे जाएगी और आगे फर्ज करें जी यहां पे ए है, ठीक है, इस पेटल पे ए है, हैमर यहां से स्ट्राइक करेगी इस ए पर, ये ए मजीद आगे जाएगा और आगे पड़ा होगा पेपर और इनके दरमियान में इंक का रिबन होगा यहां पर सेंटर में करके। अब जब ये ए इस इंक के रिबन से गुजर के यहां पर स्ट्राइक करेगा पेपर पे तो पेपर पे उस कलर में प्रिंटिंग हो जाएगी, ठीक है जी। तो दैट्स हाउ डेजी व्हील प्रिंटर वर्क्स। हाँ, इसमें कबाहत ये है, लेट सपोज अब देखें ये डी प्रिंट करना है तो इस डेजी व्हील को घूमना पड़ेगा, यहां से इस डी को घूम के इस हैमर के सामने आना पड़ेगा ताकि यहां पर डी बने और डी जब इंक के रिबन से गुजरे तो पेपर पे डी प्रिंट हो। तो ये स्लो होते हैं इस वजह से क्योंकि इसके व्हील को बार बार घूमना पड़ता है, ओके, ये इसका मैकेनिज्म है। फिर लास्ट में होते हैं जी लाइन प्रिंटर। लाइन प्रिंटर काफी ज्यादा एफिशिएंट है क्योंकि ये एक वक्त में एक लाइन प्रिंट कर देते हैं मुकम्मल। अब कहते हैं लाइन प्रिंटर इज एन इम्पैक्ट प्रिंटर विच मेक्स यूज ऑफ कंटिन्यूअस फीड ऑफ पेपर एंड प्रिंट्स ऑफ लाइन ऑफ अ टेक्स्ट एट अ टाइम, ठीक है। इसका ये मतलब है कि इसका नाम ही लाइन प्रिंटर इसलिए क्योंकि पूरी लाइन एक ही वक्त में प्रिंट करता है। जैसे कोई नॉर्मल प्रिंटर है ना वो यू प्रिंट करेगा ए एम डी सी इज आ मै डी, अब एक एक करेक्टर प्रिंट हो रहा है। जब वो आएगा ना लाइन प्रिंटर तो उसमें क्या होगा कि ये ए एम डी सी एक एक करेक्टर नहीं, अब मुझे तो यहाँ पर एक एक करेक्टर लिखना पड़ेगा ना, लेकिन जो उसकी नीडल्स है ना वो
एक ही वक्त में ये पूरी लाइन एक ही टाइम में प्रिंट करेंगी, छाप देंगी। फिर अगली लाइन में अगर आ मीडियम है तो वो एक एक करेक्टर यूं प्रिंट नहीं होगा जैसे मैं लिख रहा हूँ, वो एक ही वक्त में एक ये पूरी लाइन उसकी सारी नीडल्स को क्रिएट कर देंगी, फिर तीसरी लाइन, फिर चौथी लाइन क्रिएट। इस तरह जो प्रिंटिंग है वो फास्ट हो जाती है। तो लाइन प्रिंटर एक काफी ज्यादा एफिशिएंट और फास्ट प्रिंटर है। इसके लिखा भी है हाई स्पीड लेजर प्रिंटर के जितनी इसकी स्पीड होती है, कहीं कहीं पे यूज होते हैं क्योंकि ये लो कॉस्ट होते हैं, लेकिन ये जो जितने भी इंपैक्ट प्रिंटर्स हैं इनकी कहानी अब खत्म हो गई हुई है, क्योंकि नॉन इंपैक्ट प्रिंटर्स बहुत ज्यादा एफिशिएंट, एलिगेंट और सोफिस्टिकेटेड होते हैं। ओके जी, इंपैक्ट प्रिंटर में क्या होता है जी, ये टकराने वाला काम नहीं होता। ये जितने भी टकराने वाले प्रिंटर थे, टकरा के प्रिंट करने वाले, जैसे डॉट मैट्रिक्स है, डेजी व्हील है और लाइन प्रिंटर है, ये सारे के सारे प्रिंट करते हैं शोर मचाकर, ठीक है। लेकिन ये जो नॉन इंपैक्ट प्रिंटर्स हैं इनसे शोर नहीं निकलता, ओके, क्योंकि ये लेजर से या हीट से प्रिंट करते हैं। यहाँ पे लिखा हुआ है, ठीक है जी। फिर जिनमें से सबसे पहले पेश है हमारा लेजर प्रिंटर, ये सबसे ज्यादा पॉपुलर भी है जी। प्रिंटर लिंक टू अ कंप्यूटर प्रोड्यूसिंग गुड क्वालिटी प्रिंटेड मटीरियल बाय यूजिंग लेजर टू फॉर्म अ पैटर्न ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिकली। इसका मतलब ये है कि अब मैं इसको आपको इसके काम करने का तरीका बता देता हूँ लेजर प्रिंटर के। ये अगर ये एक प्रिंटर है लेजर प्रिंटर, तो इसके अंदर क्या गेम चल रही होती है वो हम देखते हैं। इसके ऊपर जी एक पेपर होता है, ठीक है। पेपर पे जहां जहां पे आपने कुछ भी लिखना है वहां वहां पे पहले लेजर आती है, ये लेजर प्रिंट कर रही है। लेट सपोज अभी प्रिंटिंग नहीं हो रही, लेजर आके उस जगह को चार्ज कर जाती है। लेजर सिर्फ उन हिस्सों पे पड़ती है जहां जहां पे प्रिंटिंग करनी है, जैसे जहां जहां पे मैंने लिखा है AMD सीजा मैं मीडियम, ये मैं लिखने की कोशिश कर रहा हूं, तो लेजर सिर्फ यहां आएगी और ये वाले हिस्से चार्ज हो जाएंगे। उसके बाद इसके ऊपर ना इंक का पाउडर फेंका जाता है इस पेपर पे, जो जो इससे चार्ज हुए होते हैं इंक वहां चिपक के रह जाती है, ओके, और जो बाकी सारे हिस्से डिस्चार्ज हैं वहां पे इंक नहीं चिपकती। उसके बाद इस पूरे के ऊपर से, मतलब इस पूरे पेपर के ऊपर से एक रोलर गुजरता है जो उस इंक को वहां पे जैम या पक्का कर देता है, ठीक है। और जब प्रिंटिंग मुकम्मल हो जाती है ये पेपर प्रिंटर से बाहर निकल आता है, ओके। तो दैट्स हाउ लेजर प्रिंटर वर्क्स। इसके प्रिंटिंग क्वालिटी बड़ी ऑसम होती है क्योंकि इसका जो मैकेनिज्म है ये बड़ा एफिशिएंट है। लेजर के जरिए से लेजर पहले आके चार्ज करती है उन जगहों को जहां जहां प्रिंटिंग करनी है, उसके बाद इंक के पाउडर का छिड़काव होता है, इंक वहां चिपक के रह जाती है जहां पे चार्ज पार्टिकल्स होते हैं, जहां अनचार्ज है वहां पे इंक नहीं चिपकती। बाद में एक रोलर के जरिए से इंक को वहां पे एडहर कर दिया जाता है, मतलब पक्का कर दिया जाता है, ओके। ये जो मैंने जो भी कुछ लिखा है यही मैंने बताया आपको, ओके। नेक्स्ट है हमारे पास इंक जेट प्रिंटर। इसके नाम से आपको पता लग जाना चाहिए कि ये इंक जेट, जेट कहते हैं तैयारे को, उड़ती हुई चीज को, ठीक है। अब इसमें क्या होता है कि एक नोजल होती है, प्रिंटर के अंदर की स्टोरी सुना रहा हूं कि एक नोजल होती है, ओके, उस नोजल से स्प्रे निकलता है, ओके। वो स्प्रे जहां जहां पे पड़ता है वहां वहां पर प्रिंटिंग हो जाती है। अब आपके दिन में ये सवाल आना चाहिए, सर जी ये जो स्प्रे है ये अगर फैलेगा तो ये तो स्प्रे हर जगह फैल जाएगा। नहीं जी, इनके रास्ते में इलेक्ट्रोमैग्नेटिक प्लेट्स होती हैं जो इंक के स्प्रे को एग्जैक्ट उसी जगह स्ट्राइक करवाती हैं जहां पर स्ट्राइक होना हो या जहां पर प्रिंटिंग हो, उसके अलावा नहीं, ठीक है जी। तो दैट्स हाउ एन इंक जेट प्रिंटर वर्क्स। इसका नाम इंक जेट इसलिए क्योंकि इंक जेट के तौर पर, मतलब एक तैयारे की तरह उड़ती उड़ती पेपर पे पड़ती है, ओके। फिर यहां पे एक और चीज आपको समझनी है कि प्रिंटर की रेजोल्यूशन भी होती है। प्रिंटर की रेजोल्यूशन जिस तरह स्क्रीन की रेजोल्यूशन होती है ना, जितनी ज्यादा रेजोल्यूशन उतनी अच्छी स्क्रीन की क्वालिटी, इतनी ऐसे ही जितनी ज्यादा प्रिंटर की रेजोल्यूशन उतनी ज्यादा प्रिंटर की क्वालिटी अच्छी, ठीक है। अब रेजोल्यूशन इसकी मैयर कैसे की जाती है, स्क्रीन की रेजोल्यूशन कैसे मैयर की जाती थी, स्क्रीन की रेजोल्यूशन मैयर की जाती थी जब हम उसके नंबर ऑफ डॉट्स गिनते हैं पूरी स्क्रीन पर। अगर आपको याद हो पिक्सल्स अगर हम उसके गिन लें स्क्रीन पर टोटल कितने हैं,
तो हमें उसकी रेजोल्यूशन पता चल जाती है। सेम गोज फॉर प्रिंटर के पेपर पे पर इंच कितने डॉट्स प्रिंट किए हैं। जैसे अगर मैंने लिखा यहां पर ए, ठीक है, तो अब ये जो ए मैंने लिखा है अगर इसको मैं मजीद गाढ़ा करता जाऊं तो इसकी विजिबिलिटी बढ़ जाती है इस ए की। इसका मतलब है ऐसा प्रिंटर जो एक स्क्वायर इंच में ज्यादा डॉट्स प्रिंट करेगा वो बेहतर प्रिंटर है, ठीक है ना। तो प्रिंटर की रेजोल्यूशन में की जाती है डॉट्स पर इंच में, मतलब DPI उसका यूनिट है डॉट्स पर इंच। एक स्क्वायर इंच में जितने ज्यादा डॉट्स के साथ प्रिंटिंग होगी उतने ज्यादा प्रिंटर की रेजोल्यूशन अच्छी है, ठीक है ना। ये देखे ना, ये मैंने कुछ प्रिंट किया, ये भी ए है, इसके नंबर ऑफ डॉट्स कम है। जिस ए के नंबर ऑफ डॉट्स बढ़ते जाएंगे उस वो आपको मजीद विजिबल, अगर अब इतने ज्यादा डॉट्स हो जाएं कि सेंटर में फासला ही ना बचे तो ये डॉट्स ज्यादा हो गए, इनके डॉट्स जिसके ज्यादा होंगे पर इंच में उसकी रेजोल्यूशन बेहतर होगी। ओके इजी, ठीक है। कहता है इसकी रेजोल्यूशन नॉर्मली 300 डॉट्स पर इंच से 600 डॉट्स पर इंच तक हो सकती है। और ये लिखा हुआ डॉट्स पर इंच का पूरा सीन क्या है, ये प्रिंटर की रेजोल्यूशन नापने का यूनिट होता है। ओके जी, फिर हमारे पास है जी प्लॉटर्स। प्लॉटर भी प्रिंटर होते हैं लेकिन ये लार्ज स्केल प्रिंटर होते हैं। ये वाले जो प्रिंटर हैं इंकजेट या लेजर, ये छोटे पैमाने पर प्रिंट करते हैं। अब मैं प्लॉटर्स क्या होते हैं, प्लॉटर बड़े पैमाने पर प्रिंट करते हैं। ये देखिए अगर आप इनकी शक्ल तो आपको बेहतर अंदाजा होगा कि प्लॉटर्स लार्ज स्केल प्रिंटर क्यों हैं। या आप इनकी इमेजेस देखो तो आपको लगेगा जो बड़े बड़े फ्लेक्स छपते हैं या जो अखबारें छपती हैं या जो जो आपके क्लॉथ हैं उन पे जो प्रिंटिंग होती है ये सारी की सारी प्लॉटर्स के जरिए होती है। और प्लॉटर लार्ज स्केल प्रिंटर होते हैं, देयर यू कैन सी ये बहुत बड़े होते हैं। ओके तो लार्ज स्केल प्रिंटर्स को हम लोग कहते हैं जी प्लॉटर्स। इनके अंदर भी पेन होते हैं, जिस तरह नॉर्मल प्रिंटर्स में भी पेन होते हैं वो स्ट्राइक करते हैं, प्लॉटर्स के अंदर भी पेन होते हैं, वो पेपर पे आके ड्राइंग बना जाते हैं, ठीक है जी। प्लॉटर्स कहाँ पे यूज होते हैं, प्लॉटर यूज होते हैं कंप्यूटर एडिड इंजीनियरिंग में, कंप्यूटर एडिड डिजाइन में और कंप्यूटर एडिड मैन्युफैक्चरिंग में। ये क्या होता है ये मैं इंशाल्लाह आपको फिजिकल क्लास में ज्यादा बेहतर समझाऊंगा, अभी भी समझा सकता हूँ, बट एट द मोमेंट आपको ये पता होना चाहिए कि कैड कैम और CAE यू कैन से कंप्यूटर एडिड इंजीनियरिंग में ये प्लॉटर्स का ज्यादा इस्तेमाल है। ओके और फिर प्लॉटर्स की आगे से टाइप एड ड्रम प्लॉटर है, फ्लैट बेड प्लॉटर है और इलेक्ट्रोस्टैटिक प्लॉटर है। ये छोटी सी आपकी असाइनमेंट है कि आप लोगों ने ये ड्रम फ्लैट बेड और इलेक्ट्रोस्टैटिक प्लॉटर को बुक से एक दफ़ा खुद पढ़ना है और नेक्स्ट टाइम ये इन सब में से इन स्लाइड्स में से आपका एक छोटा सा टेस्ट होगा। कोई दुख गम परेशानी होगी तो आपने ज़रूर डिस्कस करना है, नहीं तो ये आपके आउटपुट डिवाइसेस का लेक्चर यहाँ पे मुकम्मल हो रहा है। ये असाइनमेंट याद रखनी है आपने, ये इनके प्लॉटर्स और ड्रम प्लॉटर, फ्लैट बेड प्लॉटर और इलेक्ट्रोस्टैटिक ये खुद समझने हैं, नहीं समझ आएगी तो फिर मैं समझाऊंगा, लेकिन पहली कोशिश आप लोगों ने खुद करनी है, ठीक है जी। थैंक यू सो मच।